ओके हेलो अगेन। तो आप लोगों ने मेरा पहला लेसन्स किया होगा जो फिंगर एक्सरसाइजेस था, जो मैं एक बार फिर से रिव्यू करता हूँ, जो 1 2 1 3 1 4 3 2 था। ये आपने अच्छे से कर लिया होगा अलग अलग बीपीएम पे। अच्छा, मेरा एक रिकमेंडेशन है कि बीपीएम सेलेक्शंस तो 40 48 56 60 then 76, then go 80, then 90, 110, 120 and 130। आप इतना दूर अभी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, पर बीट सिंगल नोट्स में, ये काफ़ी है अभी आपके लिए। तो आज का लेसन है सी मेजर स्केल, यानी कि सारे गा पद नहीं सा। सी इज़ द फर्स्ट नोट ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इन वेस्टर्न म्यूजिक। वैसे इंडियन क्लासिकल में सी सार बोलते हैं, लेकिन जब भी आप देखोगे सी से ही लोग स्टार्ट करते हैं। तो सी से क्यों स्टार्ट करें, ये थ्योरी क्लासेस मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। एक सेशन बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा थ्योरीज बताऊंगा क्या है म्यूजिकल थ्योरी, जो यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जो सिर्फ यूक्लिडे में ही नहीं, आपके कीज प्लेइंग में, वायलिन प्लेइंग में, आप दुनिया के कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाइए उसमें काम आएंगे, गिटार्स, सब कुछ में, सब कुछ में काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आज का लेसन है सी मेजर स्केल, यानी कि सारे गा मा पा धा नी सा स्केल से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं कॉर्ड्स पे जाऊँगा नेक्स्ट सेशन में। तो सी मेजर कैसे स्टार्ट होना है, तो आपको जैसे पता है कि जो इसका थर्ड स्ट्रिंग है वो सी कहलाता है। स्ट्रिंग का मैं नाम फिर से बताता हूँ, सबसे पहला ए, देन ई, देन सी, देन जी। तो आपको सी मेजर स्टार्ट कर रहा हूँ तो सी से ये स्टार्ट होगा, यानी कि ये ओपन स्ट्रिंग होगा। और आपको ये लाइफ टाइम याद रखना है कि जब तक मैं आगे बताऊँ नहीं कि ये आपका फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर अल्टरनेट चलेगा। देखा मैं अल्टरनेट प्लिकिंग की, मैं प्लक्स कर रहा हूँ इसे, ठीक है। और रहा रेस्ट का बात, तो आप फोर्थ स्ट्रिंग पे थंब को रेस्ट करके प्ले कर सकते हैं लाइक दिस। सॉरी मैं ब्लूज में घुस गया, ये होगा, ठीक है। तो ये कैसे प्ले हो रहा है, पहले मैं आपको स्लो में दिखाता हूँ। सी मेजर स्केल है, तो मैं इसमें क्या क्या प्ले कर रहा हूं, सी एफ जी ए बी सी, देन रिवर्स। आपको मैं दिखाता हूं ये क्या है, पहला थर्ड स्ट्रिंग ओपन जो कि सी है, देन थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर से जो आप सा रे गा मा पा धा नी सा, हिंदी इंडियन क्लासिकल सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपको मैं स्लो में प्ले करके दिखाता हूँ ये सी मेजर स्केल कैसे बजता है यूकेलेले पे। सबसे फर्स्ट थर्ड स्ट्रिंग ओपन जो फर्स्ट फिंगर से आएगा, ओके। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, बीच में मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा कि थोड़ा सा आपको नील बढ़ा के रखना। आप जैसे देखो, अगर कैमरा मेरा फोकस कर लेता है तो आप देखो मेरा नील्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और ये सी शेप में है, ठीक है। आपको दोनों तरफ से नील्स को शार्पन करना पड़ेगा, अगर आप शार्पन नहीं करोगे तो आपका ये साइड से आपके स्ट्रिंग्स पे फंसना शुरू हो जाएगा लाइक। तो ये स्मूथ हो जाता है सी करके, आप सी शेप्स में करके नेस से आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो शायद थंब मेरा दिख रहा होगा, एंड ये पता नहीं फोकस लेगा कि नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये मेरा फिंगर्स लाइक दिस डेविल नेल्स, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा फिंगर बढ़ाना है, नेल्स को बढ़ाना है। तो आइए नोट्स के, नोट्स पे कैसे प्ले करना है सी मेजर स्केल को। थर्ड स्ट्रिंग ओपन, देन सेकेंड फ्रेट सेकेंड फिंगर, देन सेकेंड स्ट्रिंग ओपन जो कि आपका गा है, देन सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर, देन सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर, देन फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, देन फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट सेकेंड फिंगर, देन फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर। एक बार स्लो में, सॉरी,
एक क्लिक ले लेना आपको, लाइक 1 2 3 4। Then double beat. ठीक है, ये आपका सी मेजर स्केल है और ये ओपन पोजीशन है। सी मेजर 10 तरीके से प्ले होता है, वो आगे का लेसन है। फिलहाल आप ओपन पोजीशन पे बजाइए। देन जो मेरा थर्ड लेसन है वो सी मेजर कॉर्ड सेट पे रहेगा, तो आप पहले से प्रैक्टिस कीजिए सी मेजर स्केल को, देन आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।